से परेशान होकर पसीने से तड़पा है और हमारे तमाम साथी जब सुबह हमने मीटिंग चालू किया तो लाइए के पास साथी जो हमसे टकराएगा जो टकराएगा शिक्षा के पिता जिंदाबाद 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 गांधी मोदी होश में आओ होश में आओ सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद गांधी मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ गांधी मोदी यहीं पे पकड़िए बताइए ये जो आप लोग हड़ताल है किस लिए करिए कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का 1 जुलाई 2018 को तमाम संगठनों को मिलाकर एक मंच बनाया गया और पुरानी पेंशन की लड़ाई उस मंच के तत्वाधान में हमने लड़ने शुरू की। प्रथम चरण में तमाम धरने प्रदर्शन आंदोलन हुए, सरकार कुछ जागी, लेकिन जब हमारी दिसंबर हड़ताल होने जा रही थी अक्टूबर माह में, तभी सरकार ने के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश नेतृत्व को बुला करके 2 महीने का समय मांगा कि हम आपकी पुरानी पेंशन पर बात करेंगे, हमें 2 माह का समय दीजिए। प्रदेश नेतृत्व ने हड़ताल को वापस लिया और मुखिया के कहने से माननीय मुख्यमंत्री कहने से हड़ताल स्थगित की, लेकिन 2 महीने आज 3 माह हो गए, 5 बैठकें हुई, फिर बैठक हुई, कल शाम भी बैठक हुई, लेकिन कोई भी पुरानी पेंशन पर बात नहीं हुई। इसलिए हमको सरकार ने हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया, विवश हो गए और विवश होने के बाद आज हमने द्वितीय चरण के आंदोलन में 6 तारीख से फरवरी तक हमारी हड़ताल रहेगी। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागती है तो 12 तारीख की शाम को जो हमारा प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं, कुछ और भी संभव है। सरकार ने इस पे एस्मा लगाया, इसको अवैध हड़ताल किया, इस पे कर्मचारी एक तरफ तो सरकार एस्मा लगाकर डराने धमकाने का काम कर रही है और दूसरी हमारे प्रदेश नेतृत्व को आज अभी मुख्य सचिव के यहाँ से पत्र आया है कि शाम को 5 बजे लोक भवन में हमसे वार्ता करने के लिए आ जाइए। तो सरकार दोहरी नीति हमारी हड़ताल को रोकने का प्रयास कर रही है और लेकिन हमारी हड़ताल रुकेगी नहीं, आर पार की सरकार से लड़ाई है, या तो पुरानी पेंशन देंगे और न सभी कर्मचारियों को हमको जेल में भर दे, कुछ भी स्थिति हो हम हर स्थिति से सरकार से टकराने के लिए तैयार हैं। कल से बोर्ड की परीक्षाएं भी हो रही है, बोर्ड का परीक्षा का हम बहिष्कार कर चुके हैं, पूर्णतः बहिष्कार है हमारा, शिक्षक ड्यूटी पर नहीं जाएगा, प्रशासन जाने कैसे वो अपनी परीक्षा कराएगा, उसके पास बहुत लोग है करा ले, या जो सरकार के चाहे थे लोग गद्दार लोग हमारे साथ में जयचंद लोग हैं वो ही करेंगे इस काम को, लेकिन हम अपने नए साथियों के लिए पुरानी पेंशन की लड़ाई आखिरी मरते दम तक लड़ेंगे। मुरादाबाद जनपद में कितने कर्मचारी है इस समय आज हड़ताल पर है? मुरादाबाद का 8-10 हजार कर्मचारी आज हड़ताल पर है, क्योंकि 5 हजार तो शिक्षक ही है प्राथमिकता और बाकी तमाम हमारे 30-35 विभाग ऐसे हैं जिनके सभी कर्मचारी आज हमारे साथ हड़ताल में सम्मिलित हैं। हम आपकी पुरानी पेंशन पर बात करेंगे, हमें 2 माह का समय दीजिए। प्रदेश नेतृत्व ने हड़ताल को वापस लिया और मुखिया के कहने से माननीय मुख्यमंत्री कहने से हड़ताल स्थगित की,
लेकिन दो महीने आज तीन वहां हो गए, पांच बैठकें हुई, फिर बैठक हुई, कल शाम भी बैठक हुई, लेकिन कोई भी पुरानी पेंशन पर बात नहीं हुई। इसलिए हमको सरकार ने हड़ताल करने पर मजबूर कर दिया, विवश हो गए। और विवश होने के बाद आज हमने द्वितीय चरण के आंदोलन में 6 तारीख से फरवरी तक हमारी हड़ताल रहेगी। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जागती है तो 12 तारीख की शाम को जो हमारा प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं, कुछ और भी संभव है। सरकार ने इस पर एस्मा लगाया, इसको अवैध हड़ताल किया, इस पर एक तरफ तो सरकार एस्मा लगाकर डराने धमकाने का काम कर रही है और दूसरी हमारे प्रदेश नेतृत्व को आज अभी अभी मुख्य सचिव के यहाँ से पत्र आया है कि शाम को 5 बजे लोक भवन में हमसे वार्ता करने के लिए आ जाइए। तो सरकार दोहरी नीति हमारी हड़ताल को रोकने का प्रयास कर रही है, और लेकिन हमारी हड़ताल रुकेगी नहीं। आर पार की सरकार से लड़ाई है, या तो पुरानी पेंशन देंगे और न सभी कर्मचारियों को हमको जेल में भर दे। कुछ भी स्थिति हो, हम हर स्थिति से सरकार से टकराने के लिए तैयार हैं। कल से बोर्ड की परीक्षा भी हो रही है, बोर्ड का परीक्षा का हम बहिष्कार कर चुके हैं, पूर्णतः बहिष्कार है हमारा। शिक्षक ड्यूटी पर नहीं जाएगा, प्रशासन जाने कैसे वो अपनी परीक्षा कराएगा, उसके पास बहुत लोग हैं, करा ले। या जो सरकार के चाहे थे लोग, गद्दार लोग, हमारे साथ में जयचंद लोग हैं, वो ही करेंगे इस काम को। लेकिन हम अपने नए साथियों के लिए पुरानी पेंशन की लड़ाई आखिरी मरते दम तक लड़ेंगे। मुरादाबाद जनपद में कितने कर्मचारी है इस समय आज हड़ताल पर है? मुरादाबाद का 8-10 हजार कर्मचारी आज हड़ताल पर है, क्योंकि 5 हजार तो शिक्षक ही है प्राथमिक का, और बाकी तमाम हमारे 30-35 विभाग ऐसे हैं जिनके सभी कर्मचारी आज हमारे साथ हड़ताल में सम्मिलित हैं।